यमुनानगर के कस्बा सढोरा में अवैध संबंधों के चलते एक युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने वाले आरोपी ने घर में ही वारदात को अंजाम दिया और हत्या के बाद युवक को घर के अंदर लगे पिलर पर ही बंधा छोड़ फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना प्राप्त हुई थी कि बाना बहादुर में लोगों के परिवार ने एक बंदे को लाठी डंडे बीटों से मृत्यु पहुंचा दिया और उसी मौके पर हम पहुंचे इन्वेस्टिगेशन टीम को लेकर, स्पेशल टीम को लेकर, और डेड बॉडी को हमने वहाँ से एम्बुलेंस में सीट जगाधरी हॉस्पिटल में कर दिया था और पोस्टमार्टम करके वाशम को डेड बॉडी को हवाले कर दिया था और तफ्तीश जारी है और इसके पश्चात जैसी भी तफ्तीश में कथा आएंगे और उसी के अकॉर्डिंग ही तफ्तीश में लाई जाएगी। जानकारी के मुताबिक सढोरा के गांव बना बहादुर में इमरान नामक युवक के अपने ही घर के नजदीक एक विवाहित महिला से अवैध संबंध थे। बताया जा रहा है कि इस मामले को लेकर पहले भी पंचायत हुई लेकिन ये सब नहीं रुका। हालांकि कई बार इमरान को समझाया गया बावजूद इसके वो नहीं माना। आरोप है कि महिला के पति ने इमरान को बहाने से बुलाया, पीटता हुआ घर के अंदर ले गया जहां उसने युवक को घर के अंदर बने पिलर से बांध कर डंडों से जमकर पिटाई की। आरोपी ने युवक को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक को वही छोड़ पूरे परिवार के साथ घर से गायब हो गए। ऐसे फोन करके मेरे भाई को बुलाया गया जी, यहीं पड़ोस में जी, बना बहादुरपुर में इमरान है जी, किसी को पता नहीं चला जी। उस टाइम रोजा खुलने से तकरीबन सरगही से पहले की बात है जी, तकरीबन एक घंटे पहले जी, तब उठे तभी देखा जी उधर शोर हो रहा है जी। मेरी माँ ने मेरे को जाने नहीं दिया, मेरे को ही पकड़ लिया जबरदस्ती, डर गई बेचारी, उसी को ये सब शोर होते हुए देखा। मामला ये उसी का था जी जिसको आपको मैंने लिखवाया, नाम नसीमा का, उसने अपने प्रेम के चक्कर में फंसाया हुआ था कई सालों से, रात फिर उसने अचानक इसको फंसा दिया जी। इतना ही नहीं, आरोपी ने भागने से पहले सरपंच को घर में चोर घुसने के बारे में बताया जिसकी छत से गिरने के कारण मौत हो गई। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो इमरान पिलर के साथ बंधा हुआ था और उसकी टांगे चारपाई से बंधी थी। मृतक इमरान के भाई की माने तो उसने चीखने की आवाजें सुनी थी लेकिन घर वालों ने झगड़े के डर से उसे बाहर नहीं जाने दिया और सुबह उसे भाई की हत्या का पता चला। घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस गंभीरता से इस मामले की जांच में जुटी है। प्रथम तहलका के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट।